हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, दुबई में दो नए कानून आए हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो 1 से 2,000 दिरहम तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है, चाहे आप विजिटर हो या यहाँ के रेसिडेंट्स हो या सिटीजन्स हो। क्या है अपडेट जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ये जो अपडेट आया है वो ये है कि अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कंपनी की गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर आप उसमें ट्रैवल करते हैं और कुछ खा पी कर, या जैसे चाय पी लिए आपने या फिर कुछ चिप्स वगैरह खा लिए या किसी भी तरीके का कागज़ वगैरह हो, उसको आप लोग रोड में फेंकते हैं, चलती गाड़ी से फेंकते हैं, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना है। चाहे आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो, कंपनी की गाड़ी से जा रहे हो या किसी से भी जा रहे हो, लेकिन आपको रोड में या किसी भी पब्लिक प्लेस में बिना डस्टबिन के भी नहीं फेंकना है कचरा। इसका अगर पुलिस आपको देख लेती है, और आपको पता है चलते रोड में भी ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, कैमराज लगे होते हैं इसके लिए भी, कैमराज लगे हुए होते हैं सारी चीज़ों के लिए ही, या फिर पुलिस भी खड़े रहती वो भी आपको देख सकती है। तो जो भी है, आपका नंबर नोट डाउन हो जाएगा और आपको 1 से 2,000 दिरहम तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। सेकेंड जो कानून पास हुआ है वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा अगर गाड़ी में बंद है बहुत देर के लिए और उसके जो पेरेंट्स है या गार्जियन है वो बाहर गए हुए हैं, गाड़ी लॉक करके बच्चों को अंदर रख के गए हैं, तो उसके ऊपर भी 2 से 5,000 दिरहम तक का जुर्माना है। अगर कोई बड़ा आदमी है वो भी गाड़ी में लॉक्ड है, बाहर से लॉक्ड है, या फिर गाड़ी खोल के नहीं बैठा हुआ है, गाड़ी में बंद करके उसको कोई चला गया, उसमें भी जुर्माना होगा। तो ये अगर आप लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, कोई भी कंपनी की गाड़ी, खुद की गाड़ी या किसी और की गाड़ी अगर यूज़ करते हैं, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो हैवी फाइन आपके ऊपर हो सकता है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।